वीडियो में हम पैन कार्ड बनाने वाले हैं अपने स्मार्टफोन से। जब भी दोस्तों आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है तो दोस्तों आप लोग साइबर कैफे पे जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 107 रुपए में आप पैन कार्ड घर बैठे अपने स्मार्टफोन से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आपको सर्च कर लेना है NDSL पैन कार्ड अप्लाई। जैसे ही इसे आप सर्च करते हैं, आप लोगों के सामने सबसे फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट ओपन होती है। आपको सिंपली दोस्तों ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग अप्लाई करने के ऑप्शन पर ही रहने देंगे। अगर आपने पहले से ही अप्लाई किया है, आप लोगों को टोकन नंबर मिला है, तो आप लोग रजिस्टर यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं एक नया पैन कार्ड अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है कि हम लोगों को एक नया पैन कार्ड बनाना है। उसके बाद आपको कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट वाले इंडिविजुअल पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको टाइटल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप श्री श्रीमती कुमारी जो भी हैं आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं एक मेल का फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं श्री के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको उनके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है सब सेम आपको यहाँ पर भरना होता है, जैसे कि उनका लास्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, उनका मिडिल नेम। से लोगों के आधार कार्ड में सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, तो दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नेम में भर देंगे और उसके बाद लास्ट नेम में भर देंगे, मिडिल नेम उनको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। जो भी दोस्तों उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से भर देना है। ध्यान रखना, आप लोगों को एक ईमेल आईडी भरना होता है, जो कि ईमेल आईडी पे आप लोगों का पैन कार्ड 2 से 3 दिन के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भरना है। यहाँ पर आप लोग अपना एक मोबाइल नंबर भर देंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर आप फिल करते हैं, ये इनका टर्म एंड कंडीशन है, इसे आपको अप्लाई कर लेना है, यानी कि इस पर आपको टिक कर लेना है। जैसे ही टिक करते हैं तो आपको ये कैप्चा कोड शो हो रहा है। इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम लोग फॉर्म को फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सब लोगों के सामने एक टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। आप इस टोकन नंबर को स्क्रीनशॉट ले करके कहीं पर रख सकते हो, या तो आप किसी कहीं पर इसे नोट कर लें। चलिए दोस्तों इसे हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरना होता है। चलिए यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या आपको यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ये होता है कि आपके आधार कार्ड के माध्यम से आप लोगों का पैन कार्ड बनता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत से आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग जब भी स्कैन करके यहाँ पर फॉर्म को अपलोड करना होता है, NDSL के वेबसाइट पर आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपने स्वयं अपना फोटो स्कैन करेंगे, अपना साइन स्कैन करके अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक फिजिकल होता है, यानी कि दोस्तों सब फॉर्म को आपको इनके वेबसाइट पर जो एड्रेस मिलता है वहाँ पर आपको भेजना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, हम लोग दोस्तों पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, यानी कि आधार कार्ड का जो भी डिटेल्स है, यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड के डिटेल्स पे पैन कार्ड बनाने वाले, यानी कि दोस्तों हम लोगों को पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्रीन डाउन करके नीचे चले आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है वेदर आप फिजिकल पैन कार्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं अपने घर पे। दोस्तों हालांकि मुझे तो पैन कार्ड तो चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो यस के ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपको पैन कार्ड नहीं चाहिए तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यस के ऑप्शन पर रहने देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंडर आधार लास्ट 4 डिजिट, यानी कि आप लोगों के आधार कार्ड का जो 4 नंबर लास्ट का है उसे आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके आधार कार्ड पे जो फोटो है वही फोटो दोस्तों आपके पैन कार्ड पे भी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्लीज सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप एस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे चले आना है। जैसे ही दोस्तों आप नीचे आते हैं, आपको सब नेम मिला लेना है, कि आपको नेम ध्यान रखना है, मिला लेना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप नेम को मिलाते हैं, उसके बाद दोस्तों आप जेंडर के ऑप्शन पे आएंगे। दोस्तों जेंडर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कि मेल है या फिर फीमेल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम मेल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आप उसे छोड़ते हैं, उसके बाद आपको नीचे इसको डाउन करके चले आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने माता और पिता का नाम फिल करेंगे। दोस्तों आपको अगर अपने माता का नाम फिल करना है तो आप नीचे वाले फिल करेंगे, अगर पिताजी का नाम फिल करना है तो आपको पिताजी का नाम फिल करना है। जैसे कि आप
पर पिताजी का नाम फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, ठीक है दोस्तों। ये सब फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पैन कार्ड पे किसका नाम होना चाहिए, ठीक है। अधिकतर पैन कार्ड दोस्तों पिताजी का नाम होता है, यानी कि फादर्स का नाम, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग फादर्स का नाम लेना चाहते हैं, यानी कि रखना चाहते हैं पैन कार्ड पे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप लोग मदर का यानी कि माता का नाम रखना चाहते हो, आपको मदर के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान रखना जो दोस्तों यहाँ पर स्टार्स बने हुए हैं, देखिए ये देखिए जो स्टार्स बने हैं उसको आपको भरना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे फिल करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है, इसे आप दोस्तों सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको नीचे चले आना है, हमने यहाँ पर दो स्टेप को पार कर लिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग तीसरे स्टेप पे कॉन्टेक्ट एंड डिटेल्स के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाता है सोर्स ऑफ इनकम, दोस्तों आपका इनकम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी इनकम है आप लोग अपना इनकम यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नो इनकम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एड्रेस, दोस्तों यहाँ पर आपका एड्रेस जैसे कि ऑफिस में रहते हैं दोस्तों आपको ऑफिस का एड्रेस रखना है, और अगर दोस्तों आप लोग कहीं और रहते हैं तो आपको नीचे से एड्रेस फिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग नीचे चले आएंगे और उसके बाद दोस्तों इसे हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। ब्लैंक बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, ये सब दोस्तों देखिए ये सब ब्लैंक होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये सब ब्लैंक होगा, तो चलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये देखिए ये सब ब्लैंक होगा, इसे आप लोगों को ऐसे ही रहने देना है, आपको नीचे चले आना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट, ये देखिए पहले इंडिया सिटीजन पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद सिटी, ठीक है। सिटी जैसे ही सिलेक्ट करते हैं नीचे आपको दोस्तों ये मिलता है सिलेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों जैसे ये सब फिल करते हैं ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना ये सब ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का लास्ट जो स्टेप है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आप लोगों के आधार कार्ड से सब डिटेल्स ले लिया जाएगा, यानी कि दोस्तों आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आएगा आपका, उसी वही फोटो भी आएगा, सब कुछ दोस्तों आपके आधार कार्ड से होगा, ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको हेम सेल पे ऑप्शन पे क्लिक, यानी कि फर्स्ट ऑल जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेस का नाम देना है, सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है, बस दोस्तों इतना ही करना है, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों से एक बार बताया जा रहा है कि आप लोग जो भी डिटेल्स भरे हो उस डिटेल को दोस्तों एक बार कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपना पूरा डिटेल्स कंफर्म करेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के आधार कार्ड का जो फर्स्ट 4 डिजिट यानी कि 8 डिजिट है, सॉरी दोस्तों ये देखिए 8 डिजिट आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप इसे फिल करते हो उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना सब डिटेल्स यहाँ पर मिला लेना। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका डिटेल्स ठीक है तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे नीचे मिलता है प्रोसीड का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारा कहीं पर मिस्टेक है यानी कि स्पेलिंग गलत है तो आपको एडिट पर क्लिक करके उसे एडिट कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान से मिलान कर लीजिए, उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पैन कार्ड जब भी बनाते हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग पेमेंट्स कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको जिस भी मेथड से पेमेंट्स करना है आप उस मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मुझे यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट्स करना है तो मैं ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे 106.90 पैसे यहाँ पर पेमेंट्स करना होता है, यानी कि दोस्तों 107 रुपये जो भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आप लोगों से कंफर्म पेमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों आपको कंफर्म पेमेंट्स के ऑप्शन पर भी क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, जिससे भी आपको पेमेंट्स करना है आप लोग उससे पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पेमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट हम लोगों का सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आप लोगों का सब डिटेल्स आ जाता है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोगों को आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कंटिन्यू EKYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर भी क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर दोस्तों एक OTP चला गया है, वो OTP दोस्तों 10 मिनट के लिए मान्य है, ठीक है। 10 मिनट के बाद आप उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों फिर से आपको कंटिन्यू E-Sign के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर सबमिट करना होता है, यहाँ पर आपको टिक करना है। इसे टिक करेंगे दोस्तों आपको आधार कार्ड का पूरा नंबर यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद सेंड OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आधार कार्ड का पूरा नंबर फिल किया, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक किया। अब दोस्तों वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों का पैन कार्ड जो है दोस्तों यहाँ पर बन चुका है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करके, डेट ऑफ बर्थ को फिल करके इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। मात्र दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर जो भी आपने पैन कार्ड बनाते सभी ईमेल आईडी दिया तो उस पर आपका पैन कार्ड आ जाता है, और लगभग दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर आपके डाकघर पर आपका पैन कार्ड फिजिकली आ जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रक्रिया से आप लोग अपने स्मार्टफोन से मात्र दोस्तों 107 रुपये में पैन कार्ड बना सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप लोग ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो तो।